मॉर्निंग गाइज। तो सुबह हो गई है और 4:15 बजे हुए हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ, प्रिशा भी रेडी हो चुकी है किचन में, चाय और पराठे वगैरह को कुछ कर रही है, रोटी गर्म कर रही है, अभी भी रेडी हो चुका है। विवेक नहाने गए हैं एंड द मोमेंट हैज कम, हम लोग निकल रहे हैं अब। और मैंने ये सूट पहना है क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं दैट इज अ रिलीजियस प्लेस, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कुर्ता और लेगिंग्स पहन के जब भी हम जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। प्रिशा को अभी भी नींद आ रही है, यहाँ बैठी हुई है नींद में। इसको अभी परमिशन दे दो ना तो अभी इसको भी परमिशन दे दो तो अभी सो जाएगी। एक्चुअली हम लोग को सोते हुए कितना हो गया था, एक बज गया था, 1 बजे सोए और 3:30 बजे मैं, प्रिशा और अभि तीनों उठ गए। विवेक को अभी उठाया हमने 4 बजे। दिक्कत करी 10 मिनट। अरे दोनों ने मैंने लास्ट में। एक्चुअली उठना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है आज के बाहर नहीं निकला जा रहा है। यहाँ एसी ऑन करके हम लोग अभी बैठे हुए हैं, चाय बना के फिर से इस रूम में आ गए। फिर भी मुझ जैसी प्यारी बच्ची ने चाय और रोटी गर्म की, तो अब आप लगा लो कि इतनी ज्यादा गर्मी सुबह में है तो दिन भर में हमारा क्या होने वाला है। लेकिन अब जब रिलीजियस प्लेस पे जाना है तो जाना है, भले गर्मी है तो क्या हुआ। बाकी गर्मी इतनी हो रही है कि बात मत पूछो। आज टेम्परेचर आई थिंक कितना होगा, इस टाइम पे भी गर्म हवा है बाहर की, लेकिन अभी निकलना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर चाय नाश्ता करके निकलते हैं, मैं आपको कार में से मिलती हूँ बाहर जाके। ये पहाड़ वगैरह देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग जा रहे हैं किसी हिल स्टेशन पे, लेकिन एक्चुअली ये हिल स्टेशन हमारे रास्ते में क्रॉस होने वाला है। जी हाँ, साबूदरा जहाँ मैं हर मानसून में जाती हूँ ये रास्ते में पड़ने वाला है, यहाँ से गुजर के हम लोग निकलने वाले हैं। और बच्चे दोनों सो चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली 3:30 बजे उठ गई थी मैं, मेरे साथ प्रिशा उठ गई थी, अभी थोड़ा सा लेट उठा था और विवेक सबसे लेट उठे थे। आँखों में नींद तो मेरे भी है, लेकिन अब ये ड्राइव कर रहे हैं तो बाजू में मैं सो कैसे सकती हूँ, क्योंकि मैं सो गई तो फिर इनको भी नींद आने लग जाएगी। पर ना चाहते हुए भी ना मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी, बार बार मैं कोशिश कर रही थी लेकिन रहा नहीं जा रहा था सोए बिना। बट चूंकि ड्राइवर बाजू में है, मतलब इस वक्त तो ये ड्राइवर ही बने हुए हैं ना, सो ड्राइविंग सीट पे कोई भी होता है तो बाजू में सो नहीं सकते, नहीं तो फिर सामने वाले को, मतलब बाजू वाले को भी नींद आने लगती है, रिस्क हो जाता है। तो मैं अपनी नींद पे काबू करके यहाँ बैठी हुई थी। सबसे फेवरेट वो मंदिर में से एक है जहाँ हम लोग जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। और बस मेरी एक मन्नत थी जो पूरा करने में जा रहा हूँ वहाँ पे। आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का भी हमें बहुत सारा प्यार चाहिए। और हम लोग अगर वहाँ पे शूटिंग कर सके ना तो आपको जरूर दिखाएंगे कि हम कहाँ जाने, मतलब अंदर शूटिंग अलाउड है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग पहले हर साल यहाँ जाया करते थे जहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन दो साल नहीं जब से मैंने ब्लॉगिंग की है ना तब से एक बार भी नहीं गए, नहीं तो मेरा शूट नहीं होता बेबी। 2018 इनको ना 2018 में हार्ट अटैक आया था ना, तब से हमारा डिसकंटिन्यू हुआ है, तब से जो डिसकंटिन्यू हुआ है तो अभी डिसकंटिन्यू हुई है, तो आज हम जा रहे हैं। बस कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना कि जब तक उनका बुलावा ना आए वहां तक इंसान कितना भी ट्राई कर ले जा नहीं पाता है, तो वही हुआ है कुछ। हमने बीच में भी ट्राई किया था लेकिन हम नहीं जा पाए, और अभी हम राइट नाउ कहाँ से क्रॉस हो रहे हैं पता है, साबूदरा का रास्ता है ये, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहां जाने में बीच में साबूदरा पड़ता है, तो
मानसून में तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इस वक्त बहुत ड्राई है। साबूदरा में मानसून में ही जाने में मजा आता है, अदरवाइज तो पूरा ड्राई पड़ा हुआ है। देखो पूरे झाड़ जैसे हो रखे हैं, ये मानसून में इतने ग्रीन हो जाते हैं ना विवेक, इस टाइम पे उतना ही ड्राई है। हम लोग साबूदरा से क्रॉस होने वाले हैं, स्टे नहीं करने वाले वहाँ पे, तो शायद हम वहाँ पे नाश्ता करेंगे। जहाँ आपको याद होगा जब जाते हैं तो एक जगह पे नाश्ता करते हैं, कालू भैया क्या वो नाम से पहचानते हैं, वो कैसे पहचानते हैं मुझे, दिल्ली वाली मैम मतलब मुझे जानते हैं वो, इनसे ज्यादा मेरी पहचान है वहाँ पे। तो जब ये बीमार थे ना, अब वैसे तो ये हर साल ही हम जाते थे, लेकिन वो क्या हुआ 2018 में इनको अटैक आया, 19 में हम किसी वजह से नहीं जा सके, और 20 में फिर ये आ गया ना, कोविड आ गया ना, तो ये हो गया था, बंद हो गए थे ना मंदिर वगैरह, बहुत लंबे टाइम तक ये मंदिर बंद रहा ना विवेक। अब जाके ओपन हुआ है थोड़े टाइम से, तो हम लोग नहीं आ पा रहे थे, बच्चों का एग्जाम वगैरह चल रहा है, ये वो स्कूलिंग नहीं निकल पाए, और जब ये बीमार हुए थे तब इन्होंने सोचा था कि मैं जैसे ही ठीक होऊंगा वैसे ही जाऊंगा, तो अब आज हम लोग निकल रहे हैं इस चीज के लिए, और बहुत अच्छे से, अच्छे मन से, खुशी के साथ निकल रहे हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ कि अब जिंदगी जो है वो एकदम अच्छे ट्रैक पे रहे, कोई परेशानी अब ना फेस करनी पड़े, और हमेशा हम सब ऐसे ही खुश रहे। आप लोग भी बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। आपको आप लोगों ने बहुत मन्नत दी थी पापा की, टाइम भी आया, कुछ लोगों ने तो व्रत वगैरह भी करे हैं, और कुछ लोगों ने मोहिता ने व्रत किए हैं। मोहिता ने जो एक मेरी सब्सक्राइबर है, घर में महामृत्युंजय जप करवाया था जब इनका ऑपरेशन चल रहा था, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ट्यूसडे के व्रत किए हैं, किसी ने मतलब विवेक के लिए सबने बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अभी हम ब्रेकफास्ट के ब्रेक के लिए रुकेंगे ना, तब आपसे फिर मिलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा होता साबूदरा, तो हम लोग यहीं पहुंचे हैं। मॉनसून का एटमॉस्फेयर कुछ और होता है, अभी का सिंपल सा है, बाकी तो बारिश में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ हम करेंगे नाश्ता, ये है महालक्ष्मी रेस्टोरेंट, जहाँ पे जब हम साबूदरा आते हैं हमेशा आलू का पराठा पोहा इंजॉय करते हैं, तो बस वही हम यहाँ पे फिर से ऑर्डर करेंगे आज। चाय उसके साथ, पोहा के साथ, साथ में लेके आना, अलग से चाय लेके आना। और ये हमने कब दिया था विवेक को, ऋषा फादर्स डे पे, ड्राइव सेफ पोहा के साथ, ड्राइव सेफ, आई नीड यू हियर विद मी, ये बच्चों ने दिया था पापा को फादर्स डे पे। और वेगनार वाला जो किचन है वो मैंने दिया था पापा को एनिवर्सरी पे 2018। बारिश में कितना अलग रहता है यहाँ का माहौल, अभी कितना अलग है, तो भी अच्छा है, सूदिंग है, ठंडक है, ठंडक ऐसे बहुत गर्मी नहीं लग रही है। टेम्परेचर होगा आई थिंक 25-26 होगा, 25-26 है, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है, बट उतनी ठंडी नहीं है। ये वाला बॉटल हम लोग भर के लाए हैं घर से, और इसका ये ढक्कन देखिए टूट गया है, ये लीक हो रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये क्यों टूटा मुझे भी नहीं पता। मम्मी पापा लोग कैप चेंज कराने जाने वाले हैं, हाँ ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था, उसकी दुकान पे जाएंगे हम कि भैया ये इतनी जल्दी टूटा कैसे, ये बताओ। बर, अच्छा अभी ने नाम रखा है पापा का बर। ये डी मार्ट वाली टी शर्ट है गाइस, देखो कितनी अच्छी निकली है, एक बार धुल भी गई है, डी मार्ट की टी शर्ट है ये। क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, ये डीमार्ट की टी शर्ट है और ये गुजरात के पीस है, गुजरात के पीस, ये गुजराती पीस नहीं है, मराठी पीस है ये। रहते गुजरात में ना, दाढ़ी नहीं बनाई तुमने, किया कल तुमने साथ में बोला दाढ़ी नहीं बनाई तुमने, क्यों नहीं बनाई, भगवान जी को दाढ़ी के बिना मिलना है। अच्छा कुछ तो कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे। Thank you.
तो जहाँ हमने नाश्ता किया वहीं सापुतारा में, आपको याद है हर बार हम साई मंदिर जाते हैं, तो ये सापुतारा में साई मंदिर है, तो हमने सोचा चलो सामने भगवान दिख गए तो दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन करने के बाद बढ़ चले हम हमारी मंजिल की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, क्योंकि राइट नाउ हम लोग महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे हैं। जगह जगह पैंठणी साड़ी के बोर्ड लगे हुए हैं स्टोर्स के, और एक जगह पे हम लोग रुके पीयूसी के लिए, गाड़ी का पीयूसी होना बाकी था, तो विवेक बोले ये काम ज़रूरी है करना, सिटी में कर नहीं पाए थे, तो मैं कहा चलो ये भी निपटा लेते हैं, हाथों हाथ तो वही निपटा रहे थे। और फिर हम पहुँचे फाइनली कहाँ, हम आए हैं शिरडी। जी हाँ, साई नगरी, साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, शिरडी वाले साईं बाबा। ये नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं कोशिश करूंगी दर्शन कराने की, पर इतना इजी नहीं है यहाँ दर्शन कराना, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ मुझे याद है, देखिए यहाँ से साईं मंदिर 0 किलोमीटर, यानी हम बिल्कुल मंदिर के सामने हैं इस वक्त, मंदिर के परिसर के सामने, और पार्किंग ढूँढ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मुझे याद है कि मोबाइल वगैरह पहले ही जमा कर देने पड़ते हैं, तो दर्शन कराना मुश्किल होगा मेरे लिए। ये मंदिर का परिसर है पूरा, बाहर से मैं दिखा रही हूँ आपको, अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चलता ही रहता है। तो हम लोग शिरडी पहुँच चुके हैं, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, मुझे मोबाइल यहीं मंदिर में एंट्री के टाइम पर एक लॉकर मिलेगा वहाँ रख देना पड़ेगा, मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी। अगर मैं अंदर मोबाइल ले जा सकी तो मैं ज़रूर दर्शन कराऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ हम लोगों ने पेड पार्किंग लिया हुआ है मंदिर के बिल्कुल सामने, आप देखो पेड पार्किंग मिल जाता है, सो अगर आप लोग भी कभी आना चाहो तो पार्किंग का टेंशन मत लेना, मंदिर पे तो नहीं लेकिन मंदिर के सामने की साइड बहुत सारे पेड पार्किंग होते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत गर्मी है। 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं, सुबह 5 बजे निकले थे और 11:30 बजे हम लोग यहाँ पे आके लगे हैं। तो आप लोग भी अगर कभी आएँ तो देखिए बिल्कुल मंदिर के परिसर के सामने आपको काफ़ी सारी पार्किंग मिल जाती हैं, जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग है, आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, पेड पार्किंग होते हैं ये, और मोबाइल वगैरह अंदर ना छोड़ें, यहाँ पे लिखा होता बोर्ड पे कि कोई भी कीमती चीज़ अंदर ना छोड़ें। तो ये देखिए यहाँ से वॉक करके हमें जाना है, और सबसे पहले हमें जो हमारे शूज़ वगैरह हैं उनको जमा करना है एक जगह पे, और एक जगह पे हमारे मोबाइल वगैरह जमा करने हैं। मोबाइल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप लोग कभी भी जाएँ तो डरे ना, उस आप मोबाइल आराम से बिना टेंशन के जमा कर सकते हैं एक जगह पर, वो लोग ले लेते हैं मोबाइल आपका, और आपको बहुत सेफली वो रखते हैं और वो मिल जाता है बाद में, ऐसे टेंशन ना रखें, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है। तो यहाँ पे हम खड़े होके राह देख रहे थे, विवेक अंदर पास लेने गए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि क्या बोलूँ बस अभी, और इसके बाद में फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल हमारा जमा हो गया था। हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे लाइन में खड़े खड़े, ज़्यादा लग गए थे, 1.5 घंटा जैसा हो गया था। और सामने ही है ये हल्दीराम की शॉप, तो अब लगी है जोरों की भूख, तो कुछ लाइट फूड खाएंगे क्योंकि अभी हमें एक मंदिर और जाना है, हमारी यात्रा अभी फिनिश नहीं हुई है। एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हमने ऑर्डर किए थे यहाँ पे इडली और मसाला डोसा और सैंडविचेस, अभी ने ऑर्डर किए थे, और साथ में कोक वगैरह है, तो बस ये लाइट लेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारा ड्राइव करके एक मंदिर और भी जाना है, वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। तो हम लोग निकले हमारी नेक्स्ट मंजिल के लिए, तो जब शिरडी से वापस आते हैं तो सापुतारा से पहले एक जगह पड़ती है वनी, वनी नाम है वनी, ठीक है, वहाँ पे सप्तशृंगी माता का मंदिर है, ये शायद आपने सुना होगा। तो ये दोनों ही धाम जो हैं वो बहुत फेमस हैं, शिरडी के साईं बाबा और सप्तशृंगी माता मंदिर। सप्तशृंगी माता मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हमारे इधर, और महाराष्ट्र में तो बहुत ही फेमस है, दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये हम पहुँच गए थे और यहाँ पे साड़ी चढ़ाई जाती है, तो नीचे ही पार्किंग में लगा दी हमने गाड़ी, और ये साड़ी और प्रसाद वगैरह हम लोग बाय कर रहे थे। और किस चीज़ में वो लोग लेके जाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है यात्रियों को मंदिर तक ले जाने की। ये देखिए ये एक ट्रेन टाइप है, ट्रॉली भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये, मैंने पहली बार देखा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे मुझे याद है चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई थी, तो अब ये व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस टाइप की ट्रेन है, ट्रेन टाइप है ऐसा लगा मुझे दूर से। तो ये विवेक लेने के लिए गए हैं ट्रेन के टिकट्स, और यहाँ से फिर होती है हमारी एंट्री। और जब हम एंट्री करते हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। कोई भी इंसान अगर महाराष्ट्र में, गुजरात में कहीं भी रहता है ना, यहाँ ज़रूर आना, यहाँ की बड़ी मान्यता है। मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ लेकिन इस बार ज़रा 2-3 साल का गैप आ गया है कोविड की वजह से और इनके हार्ट अटैक की वजह से। तो
इनको थैंक्स बोलना था, भगवान को मुझे भी थैंक्स बोलना था। कहते हैं यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। सप्तशृंगी माता पे सब साड़ी चढ़ाते हैं ग्रीन कलर की ज़्यादा करके, और मैं भी वॉक करके जा रही थी अभी, बस हमें ट्रेन में ही बैठना है। तो हालत वैसे बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सुबह 5 बजे के निकले हैं और ये जिस टाइम का वीडियो है मैं आपको बोलूँ तो हम सप्तशृंगी माता पे पहुँचे थे तकरीबन 5:30 से 6 बजे। तो अभी 6 बजे जैसा वक्त है शाम का जब हम लोग यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। और ये है वो ट्रेन, देखिए इस तरह से यात्रियों को लेके आना और लेके जाने का काम करती है। देखिए कितना डर सा लग रहा है देख के, लेकिन बहुत ही सेफ लगी मुझे। और इस तरह से आके सामने रुकती है और एक साइड से पैसेंजर एंट्री करते हैं और दूसरे साइड से पैसेंजर्स उतर जाते हैं। तो बस ये पूरे दिन इनका यही काम है कि मंदिर तक लेके जाना और लेके आना, क्योंकि ये वाली माता के मंदिर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टफ थी। हम लास्ट टाइम जब गए थे बापरे हालत ख़राब हो गई थी चढ़ चढ़ के, और अब तो विवेक इतना चढ़ भी नहीं सकते, इतना नहीं हम रिस्क ले सकते। तो इस तरह से बैठ गए हम और पूरे एसी थे, ये जो कंपार्टमेंट थे ना एसी कंपार्टमेंट है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ। और जो चढ़ाई हमें करते घंटों लग जाते थे वो मिनटों में पूरी हो गई, मिनट भी नहीं लगे, बहुत जल्दी। मतलब मैं बोलूँ तो 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट में हम ऊपर पहुँच चुके थे। तो आप लोग भी अगर कभी आएँ तो चढ़ाई की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ बड़े इजीली आपको यहाँ टिकट मिल जाते हैं और टिकट भी आई थिंक बहुत सस्ते थे, मैं कॉस्ट तो भूल गई हूँ, बहुत ही सस्ते विवेक ने लिए थे। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हर इंसान बड़े आसानी से सप्तशृंगी माता के दर्शन कर सकते हैं। और भीड़ बहुत मिली मुझे हर जगह, क्योंकि एक तो जिस दिन हम गए छुट्टी का दिन था, और सेकेंडली आजकल वेकेशन भी चल रही है ना, तो आप भीड़ देख सकते हो। यहाँ के मंदिर के दर्शन में हमें 2.5 घंटा लग गया, हम 6:30 बजे एंट्री किए थे, हम 7:30 से 7:45 के बीच में नीचे उतरे थे। तो जैसे तैसे भीड़ में हमें ये दूर से माता जी के दर्शन हुए, मैंने सोचा आपको भी करवा दूँ। तो बोलो सप्तशृंगी माता की जय, जय माता दी। तो ये जो है मंदिर है सप्तशृंगी माता का, आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत फेमस टेम्पल है, मैंने सोचा आपको दर्शन करवा दूँ मेरे ज़रिए। और बस अब हम निकल पड़े हैं वापस, हमने नीचे उतर के पी थी एक एक कप चाय, थोड़ा नाश्ता किया था, और ये सापुतारा हम राइट नाउ क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सापुतारा से पहले वणी करके एक प्लेस आता है जहाँ पे सप्तशृंगी माता का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं घर पे, काफ़ी थक चुके हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, दर्शन करके आपको कैसा लगा? शिरडी तो एटलीस्ट मैंने दिखा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकी, माफ़ कीजिएगा। चलिए माता के नाम पे, शिरडी बाबा के नाम पे, साईं बाबा के नाम पे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।